आनंदविया रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। आपको यहाँ से हर एक जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगा। जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ के लिए चौकबन राधिकापुर इज नाउ रेडी फॉर डिपार्चर फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1। वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी। ये अंदर का सीन है आनंद विहार रेलवे स्टेशन का अंदर का सीन। ये बस स्टेशन है आनंद विहार का। आपको हर एक जगह के लिए यहाँ से बस मिल जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आनंद विहार आया हूँ पापा को छोड़ने के लिए। तो फ्रेंड देख सकते रेलवे स्टेशन पे गाड़ी में बैठा दिया हूँ पापा को। बहुत भीड़ था, अब गाड़ी खुलने का इंतजार करता हूँ। ट्रेन आप लोग वीडियो पर बने रहिए अभी। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी भी गाड़ी में बैठने के लिए पब्लिक कैसे कर रहा है, क्योंकि अंदर पूरा फुल हो चुका है। मैं तो बहुत मुश्किल से अंदर घुसाया पापा को, बहुत भीड़ था, गेट पूरा जाम हो गया था। देख सकते हैं गेट पे भी आदमी है, वहाँ उधर भी देख सकते हैं कैसे कर रहा है सब चढ़ने के लिए गाड़ी में। बहुत भी ज़्यादा भीड़ था गैस, देख सकते हैं आप लोग। ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इसमें जनरल का दो ही बोगी है आगे और दो बोगी पीछे है जनरल का। सीमांचल एक्सप्रेस है ये आनंद विहार से, देख सकते गाइस कितनी भीड़ है। अभी तो सब अंदर पूरा भीड़, अंदर घुसने का मौका नहीं। गाइस अभी गाड़ी खुलने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं आनंद विहार से ट्रेन अब खुल चुका है, सीमांचल एक्सप्रेस 8:10 पे ट्रेन खुला। गाइस आनंद विहार तो सीधा राधिकापुर जाएगा। ये ट्रेन कल पहुंचेगा 2-3 बजे तक राधिकापुर। मेरा पापा तो खगड़िया में उतर जाएगा, 9-10 बजे तक खगड़िया छोड़ देगा। देख सकते हैं ये स्लीपर बोगी है गाइस, स्लीपर बोगी में भी भीड़ है। देख सकते हैं स्लीपर में भी भीड़ है। ये एसी बोगी है, नहीं स्लीपर है, एसी नहीं स्लीपर है। ये भी देखिए बाय बाय कर रहे हैं अंकल। ये भी स्लीपर ही है। ये सब स्लीपर बोगी है, अब आएगा एसी बोगी। आनंद विहार टू राधिकापुर जाएगा ये ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस, क्योंकि हम लोग इसी से जाते जब भी गांव जाते हैं। दिन भी पहुंचा देता है अगर ये ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस। ये है एसी बोगी। सब एसी बोगी है 2-3। अब इसके पीछे होगा जनरल बोगी, ये सब जनरल बोगी है। 15 मिनट की देरी से चल रही है, इसलिए यहाँ 8:22 पर पहुँचने की संभावना है। जनरल बोगी है, आपको हुई असुविधा के लिए लास्ट है। अब देख सकते हैं गाइस पूरा ट्रेन पार हो चुका है हमारे सामने से। आनंद विहार अब छोड़ दिया ट्रेन, अब सीधा बिहार जाएगा, उसके बाद ये सीधा बंगाल जाएगा ट्रेन। तो गाइस आप लोग वीडियो पे बने रहिए, देख सकते हैं मैं बाहर के निकल रहा हूँ। ये अंदर के सीन देख सकते हैं कितना अच्छा लुकिंग दिख रहा है। ये आनंद विहार का अंदर के सीन है, देखिए कितना अच्छा लगा हुआ पौधा। गाइस ये अंदर के सीन हुआ आनंद विहार का, ऊपर पूरा नीला नीला मार रहा है व्यू। यहाँ सब नीचे उतरते हैं, बाहर के लिए जा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये बाहर से है आनंद विहार का नज़ारा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आपको यहाँ से हर जगह का ट्रेन मिल जाएगा आनंद विहार स्टेशन रेलवे स्टेशन से। आनंद विहार रेलवे स्टेशन देख सकते हैं गाइस,
आपको यहाँ से हर जगह का ट्रेन मिल जाएगा, और अंदर टिकट है, देख सकते हैं जो गेट है इसके अंदर टिकट काटा जाता है, टिकट काउंटर है अंदर। ये बाहर का सीन है, देखिए कितना अच्छा लुकिंग दिख रहा है आनंद विहार। तो गाइस ये दूर से लिए हुआ सीन है, यहीं से अंदर के लिए जाते हैं इसी रास्ते से वहाँ तक, देख सकते गाइस ये बाहर से सीन लिया गया है। यहाँ कंडेंसर का काम हो रहा है अभी दोनों साइड, देखिए ये गेट है आनंद विहार के, आनंद विहार रेलवे स्टेशन अंदर घुसने का गेट है ये गाइस। और ये ब्रिज बना हुआ है रोड के उस पार, और इस पर जाने का तो मैं इस पर चढ़ के उस पार जाऊंगा रोड का। और सामने देखिए मार्केट लगा हुआ कितना अच्छा, पुल पर चढ़ के उस पार जाऊंगा, देख सकते हैं पुल के ऊपर हर एक सामान मिल रहा है, मोबाइल कवर, घड़ी, चार्जर, लीड, सारा कुछ के दुकान है यहाँ पे, बेल्ट हो गया, परस भी है, देख सकते हैं रोड ऊपर से ये। और इस पार देखिए मेट्रो जा रहा है ऊपर से, तो पुल के उस पार जा रहे हैं हम लोग, उस पुल के उस पार से आपको बस मिल जाएगा, हर एक जगह का आपको बस मिल जाएगा, पुल के उस पार जाके जहाँ के लिए आप बस खोजेंगे वहाँ के लिए आपको बस मिल जाएगा, देख सकते बस स्टेशन ये, आपको हर जगह के लिए बस मिल जाएगा यहाँ से पुल पार करके, रेलवे स्टेशन आनंद विहार का पार करके, पुल पार करके आपको हर जगह का बस मिल जाएगा। देखिए सामने आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, आपको इस पार बस मिलेगा, हर जहाँ जाने के लिए चाहिए वहाँ के लिए आपको बस मिल जाएगा, ये बस स्टेशन है। तो मैं नीचे उतार रहा हूँ जीना से, देखिए मार्केट यहाँ भी लगा हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा सामान बिकता है यहाँ के मार्केट में भी। सुबह के टाइम है अभी इसलिए उतना खास भीड़ नहीं है, ठंड का भी मौसम है, देखिए हर एक चीज़ का मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे, खाने पीने, कपड़ा लत्ता, मोबाइल चार्जर, कवर, सारा कुछ का दुकान लगा हुआ है साइड में, बस स्टेशन के साइड में। और ये रोड पे से भी आपको हर जगह, और अब मैं रोड ये बस स्टेशन के अंदर में घुसा हूँ, उस पर जाकर मैं ऑटो पकड़ के फिर घर के लिए निकलूँगा नोएडा के लिए। और यहाँ से आप कहीं जाने के लिए बस ले सकते हैं, सब जगह का बस मिल जाएगा यहाँ से आपको। तो मैं बाहर निकल के वहाँ से ऑटो लूँगा 62 के लिए, देख सकते हैं गाइस बस अंदर से निकल रहा है, बस स्टेशन से मैं पार हो गया हूँ। तो गाइस मैं ऑटो पकड़ के अब घर के लिए निकल रहा हूँ।